नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करें जसमीन भसीन के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में शुरू हुई, अभी एक ही हफ्ता हुआ है और इसमें कंटेस्टेंट के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई है। बुधवार के एपिसोड में बिग बॉस के घर में लड़कियों को इम्यूनिटी टास्क दिया जाएगा, जिसमें जसमीन भसीन बाकी कंटेस्टेंट को चेतावनी देती नजर आई हैं। अगर उनके पास कोई भी आया तो उन्हें जोरदार लात मारेंगे। जसमीन सबसे ज़्यादा निक्की तबुली और पवित्र पुनिया पर नाराज नजर आती हैं। देखना ये होगा कि बुधवार के एपिसोड में कौन सी लड़की इम्यूनिटी टास्क की बाजी मारेगी। बिग बॉस के घर में जाने से पहले जसमीन भसीन ने इन टाइम्स से बातचीत में कहा था कि हमेशा से ही बिग बॉस की फ़ैन रही हूँ, मुझे पिछले 2 सीजन से बिग बॉस का ऑफर हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कमिटमेंट्स के चलते उन्हें मना कर रही थी। इस साल मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें सोचा कि इस बार कुछ दिलचस्प करती हूँ। कोरोना वायरस के चलते वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। बताया जा रहा है कि पवित्रा के एक्स बॉयफ्रेंड प्रतीक सहजपाल भी 16 अक्टूबर को शो में एंट्री लेने वाले हैं। खबरों के मुताबिक नैना सिंह शार्दू पंडित और सपना सैपियो प्रतीक सहजपाल और रश्मि गुप्ता को भी मुंबई के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है और यह सभी अगले वीकेंड के वार में एक सीक्रेट रूम में एंट्री लेंगे।